सेकेंड ईयर क्लास में आज हम फोक डांसेस की कड़ी में दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। फोक डांसेस जो हैं, पहले मैं आपको राजस्थान के कालबेलिया, भवाई, घूमर के बारे में बता चुकी हूँ, गुजरात का डांडिया बता चुकी हूँ, और आज हम गिद्दा, भंगड़ा और गरबा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फोक डांस के लिए एक आप चीज़ ध्यान में रखें कि ये जनमानस से रिलेटेड होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है लोक जीवन का। फोक डांस हो चाहे फोक सॉन्ग हो, मानव एक सामाजिक प्राणी है और अपने अंतःकरण के भावों को, विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए सरल से सरल रास्ता ढूंढता है, और वो हमें फोक डांस और फोक म्यूज़िक गीत के माध्यम से हम तक पहुंचता है। जो भारत की जो संस्कृति है उसमें अनेकता में एकता का वो प्रतीक है, और ये जो अनेकता है ये अलग अलग प्रांत की जो संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, ये धरोहर जो है नृत्यों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो अभी हम सबसे पहले ले रहे हैं गिद्दा। गिद्दा जो है पंजाब राज्य का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है। इसकी जो प्रस्तुति होती है वो महिलाओं के द्वारा होती है, और इसमें अलग अलग तरीके की इस नृत्य में बोलियां बोली जाती हैं जो बहुत ही उत्साहवर्धक होती हैं, ओजपूर्ण होती हैं, खुशी के माहौल को बताती हैं, मनोरंजनकारी होती हैं। और गिद्दा जो है उत्सवों पे, त्यौहारों पे, मांगलिक कार्यों पर, विवाह आदि ओकेजन्स पर, अवसरों पर किया जाता है। इसमें जो लड़कियां हैं, ये जो महिलाएं हैं, हाथों से ताली बजाकर और आधे वृत्ताकार में, अर्ध चंद्राकार जिसको हम बोलते हैं, लाइन से खड़ी हो जाती हैं, और फिर दो दो महिलाएं जो हैं आमने सामने से आती हैं, ताली बजाती हुई अपने भावों को बोलियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देती हैं। जब ये डांस कर रही होती हैं तो पीछे वाली जो खड़ी महिलाएं होती हैं वो भी उनका साथ देती हैं, बोली गाने में भी, बोलियों के गाने में भी और ताली बजाने में भी। और ये प्रस्तुति सच में बहुत ही मनमोहक लगती है। इसमें जो वेशभूषा है इस नृत्य में, शलवार कुर्ता होता है, फलकारी की चुन्नियाँ होती हैं, यह गोटा पत्ती लगी हुई चुन्नियाँ, किनारी लगी हुई चुन्नियाँ होती हैं, चोटी में परांदी डाली जाती है लंबी सी, इसके अलावा भरे भरे हाथ चूड़ियों के होते हैं, मेहंदी लगा होता है, पूरा श्रृंगार किया हुआ होता है। इस प्रकार खुशी को जाहिर करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए वो लोग ये डांस करते हैं। इसमें घड़ा है, ढोलक है, चिमटा है, उसको लयबद्ध तरीके से बोलियों के साथ में तालमेल बिठाकर बजाया जाता है, गाया जाता है। ये जो डांस है वातावरण को बहुत ही प्रभावित करता है, मनमोहक बनाता है। पंजाब में जो भंगड़ा है जैसे पुरुषों का डांस है, उसी प्रकार गिद्दा जो है स्पेशली महिलाओं का डांस है, और फसल कटाई के बाद में खुशी मनाने के लिए जो ये वर्ग है, अपना गांवों का जो वर्ग है, जो किसान भाई लोग हैं, वो लोग फसल कटाई के साथ में ही खुशी से ढोल बजाने लगते हैं, और तभी ये डांस किया जाता है। लोहड़ी और वैशाखी दो पर्व जो हैं पंजाब के बहुत ही माने हुए पर्व हैं, त्यौहार हैं एक तरीके से, तो उसमें भी महिलाएं पारंपरिक अपना ड्रेसेस पहन के इस डांस को करती हैं। ये डांस सच में ही बहुत जोश खरोश वाला होता है। इसके बाद हम आते हैं पंजाब का दूसरा डांस है, वो है भंगड़ा। भंगड़े में, भंगड़ा देखा जाए तो पंजाब का जो लोक नृत्य है उनका सरताज है, मुख्य है, मतलब बहुत पॉपुलर है। भंगड़ा और गिद्दा की जब बात आती है तो हम भारत में या दुनिया में कहीं भी खड़े हो जाएं तो पंजाब का सीधा हमें सीन क्रिएट हो जाता है। बहुत ही मस्ती वाला डांस है भंगड़ा, तन्मयता वाला। पंजाबी लोग बिल्कुल इसमें ऐसे रंग जाते हैं कि पूरा माहौल को
बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं। भंगड़ा डांस जो है ये पंजाब के लायलपुर क्षेत्र से माना गया है उत्पत्ति इसकी, और वैसे ये पूरे पंजाब में प्रचलित है। मुख्यतः ये बैसाखी के समय में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोल है, ढोलक है, झांझ है, उसकी थाप पे किया जाता है। पुरुषों की एक मंडली है, कतारबद्ध हो जाती है या तो, या बीच में एक मुख्य कलाकार उसको लीड करता है, पीछे से दूसरे कलाकार डांस करते हैं। तो इस प्रकार ये जो डांस है, पहले बोलियों में बोलियां लगाई जाती हैं, गाई जाती हैं, फिर टप्पा और टप्पे के बाद में भंगड़ा, ये क्रम एक के बाद एक चलता है बिना टूटे हुए। जो ढोल की थाप है वो रुकती नहीं है, इसके साथ ही साथ ये तीनों क्रम में चीज़ें क्रम में रहती हैं। और नर्तकों में बहुत जोश, उत्साह, उल्लास होता है, माहौल में भी ऐसा ही दिखता है। ये जो डांस है 5-6 घंटों तक चलता है। ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ का, परिधान है वहाँ का, रंग बिरंगे कपड़े, पैरों में तो वो कमर पे तहमत बांधते हैं और कुर्ता खूब कढ़ा हुआ पहनते हैं, कमर पे पटका बांधते हैं, सर पे उनके पगड़ी होती है, हाथों में रेशमी रुमाल होता है। इसके अलावा कुछ लोग गले में भी रंगीन रेशमी रुमाल को, कपड़े को डालते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसकी प्रस्तुति सच में ही बहुत ही मनमोहक होती है, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। दो डांस मैंने अभी आपको बताए पंजाब के, एक गिद्दा, दूसरा भंगड़ा। अब मैं आपको तीसरा डांस जो है गुजरात का बताने जा रही हूँ, वो भी फोक डांस है। और ये डांस जो है संस्कृत के गर्भदीप शब्द से बना है। गरबा डांस गुजरात में है, राजस्थान में और मालवा के जो प्रदेश हैं वहाँ पर बहुत प्रचलित और लोकप्रिय डांस है ये। इसका वैसे मूल उद्गम जो है गुजरात ही माना जाता है। आरंभ में देवी के निकट सछिद्र, मतलब कई छेदों वाला जो घट होता था, मटका जो होता था, उसमें दीप ले जाने का क्रम होता था और उसी समय ये डांस किया जाता था। ये जो घट है, जो मटका है, दीप गर्भ कहलाता है। और गुजरात में नवरात्रि में ये जो डांसेस हैं, गरबा डांस है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और इसमें लड़कियां जो हैं कच्चे मिट्टी का जो मटका होता है उसमें, जिसमें कई छेद होते हैं, उसको फूल पत्ती से ये लोग सजाते हैं और उसके बीच में एक दिया जलाते हैं, वो रोशनी करता है और उसके, इसको बहुत शुभ माना गया है। ये जो पर्व है गरबा का, अश्विनी के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो देवी की पूजा करते हैं उस समय किया जाता है। और जो इसमें बीच में दीपक रखते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। इस घट को, ये जो छोटा मटका है, इसको गरबी कहा जाता है। और गांव-गांव में ये डांस जो है, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में नवरात्रि से ही आरंभ हो जाता है। हम यूँ भी इसको कह सकते हैं कि शरद ऋतु की जो सुहावनी रातें हैं उसमें गरबा जो डांस बच्चियां करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो वो करतल ध्वनि, उनकी पैरों की छाप, थाप, उनकी गरबा गीतों से जो जब गाती हैं तो सजीव हो उठता है सारा माहौल, मनमोहक बन जाता है सारा माहौल। और इसमें आराधना का बहुत मुख्य स्थान होता है, देवी की आराधना मुख्य मानी जाती है। गरबा में जो परिधान होते हैं वो देवी पूजा के समय लोग नए परिधान डालते हैं, नए आभूषण डालते हैं, काफ़ी चटक मटक रंग बिरंगे पोशाकें ये लोग पहनते हैं। रात्रि में ऐसा होता है कि अपने घरों का काम ख़त्म किया और जितनी भी महिलाएं हैं सभी एक स्थान पे इकट्ठी होती हैं उस घट को लेके, वो जो गरबी जो घट है, छोटा वाला जो मटका होता है, उसको लेके एक स्थान पे एकत्रित होती हैं और उसको एक जगह रख देती हैं। उसके चारों ओर इस डांस को किया जाता है। इस डांस में गति, ताल, लय बहुत ही साधारण होती है, मध्य होती है,
नृत्य करने वालों का समूह जो है पहले एक तरफ मुड़ता है, फिर घूम के दूसरी तरफ मुड़ता है। बहुत ही वातावरण मनमोहक हो जाता है। ये जो क्रम है डांस करने का घंटों तक चलता है। इसके साथ में गीत भी होते हैं और गीतों का क्रम कुछ इस प्रकार का होता है कि बिना समाप्त किए ही दूसरा गीत फिर तीसरा गीत शुरू हो जाता है। यानी गीतों की एक लड़ी सी होती है जिसमें लगातार ये डांस होता है। इसका मुख्य साज जो है ढोलक होता है, झांझर होती है, ढपली होती है, जो माहौल बना देती है। आधुनिक समय में जो गरबा है वो बहुत ही पॉपुलर है। गरबा को डांडिया से ये काफ़ी प्रभावित है। डांडिया और गरबा साथ साथ महिला पुरुष करते हैं। गुजराती जो ड्रेसेस होती हैं पुरुष पहनते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं और अंगरखा पहनते हैं। लड़कियां जो हैं घाघरा कुर्ता चोली ये सब पहनती हैं। वर्तमान में ये जो डांस है नवरात्रि तक ये सीमित नहीं है बल्कि विवाह में, मांगलिक कार्यों में, पर्वों पे, त्योहारों पे किया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि गरबा डांस जो है या गिद्दा है या भंगड़ा है, ये जो फोक डांसेस हैं सच में ही जो जो स्थानीय लोग हैं, जो लोक मानस है, जनमानस है, उनकी भावनाओं की बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति देता है। आशा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तीनों डांसेस के बारे में मैंने स्लाइड डाली हुई है, आप इसको देखेंगे और याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी इन डांसेस के लिए, तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हम इसको शॉर्ट में भी 50 शब्दों में भी लिख सकें। थैंक यू।